रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं ये अपडेट हो गया होगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 22616, यही आज के डेट में जो अपडेट आया है, यही लेटेस्ट अपडेट है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको विंडो अपडेट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा जो लेटेस्ट अपडेट होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो इंसाइडर प्रीव्यू 22616, इसके अंदर क्या नया है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इस अपडेट में क्या नया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है। तो पहला जो बग फिक्स हुआ है इसके अंदर आप देखेंगे कि पिछले अपडेट के अंदर यहाँ पे ट्रे वाला आइकन मिसिंग था, यानी यहाँ पे ये बग था। ये बग आपको ऑटोमेटिक इस वाले अपडेट के अंदर फिक्स मिलेगा, अभी आपको मैनुअल ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे ही आप अपडेट करेंगे उसके बाद ये ट्रे वापस आ जाएगा। ये मिसिंग वाला जो इशू था ये फिक्स हो चुका है इस अपडेट के अंदर। तो पहला अपडेट ये है। दूसरा जो अपडेट है इसके अंदर आपको नया फीचर मिल जाएगा, एक्सबॉक्स गेम कंट्रोल बार आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप विंडो जी एक साथ प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे आपको इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आप सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सबॉक्स गेम बार कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, गेम के दौरान भी आप इसको वापस लेकर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, विंडो जी एक साथ आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये एक साथ वापस आ जाएगा, यानी तो एक साथ इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो ये वापस चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्या सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। शॉर्टकट दिख जाएगा, यहाँ से आप अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विजिट मेनू दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कैप्चरिंग दिख जाएगा, इसके बाद गेमिंग फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ से आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको इनेबल डिसेबल करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइमर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सबॉक्स सोशल साइट यदि आप कनेक्ट करेंगे तो वो दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको रिसोर्सेस दिख जाएगा। इसी तरह यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर दिख जाएगा, इस तरह से कैप्चर आ जाएगा। यदि साउंड चाहते हैं तो यहाँ से साउंड वाला ये आइकन आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे विजिट मेनू देखना चाहते हैं तो यहाँ से विजिट मेनू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो अब आप इस फीचर को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक देव चैनल से बीटा चैनल पर स्विच नहीं किया, उन लोगों के लिए है। आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोग अभी तक देव चैनल से बीटा चैनल पर स्विच नहीं किया तो आपको क्या करना है, इसको स्विच कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट के अंदर देव चैनल क्लोज कर देगा, आपको सिर्फ बीटा चैनल ही मिलेगा, क्योंकि देव और बीटा चैनल पे सेम अपडेट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे देव चैनल को बंद कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों के पास लास्ट चांस है, आप लोग देव चैनल से बीटा चैनल पे स्विच कर दीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे अपडेट है वो ये है कि आप देखेंगे इस अपडेट के अंदर भी आपको वाटरमार्क नहीं दिखेगा, यानी वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर में यहाँ पे वाटरमार्क नहीं आएगा, यहाँ पे वापस वाटरमार्क आ सकते हैं। ये परमानेंट अभी डिसेबल नहीं किया है, लेकिन अभी दो अपडेट से यहाँ पे आपको वाटरमार्क डिसेबल मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में ये वाटरमार्क वापस आ सकते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर अपडेट है, टास्क बार के अंदर अपडेट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जितना भी हिडन आइकन होगा इसको आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप इसको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये वाला अपडेट अब सभी को मिलना शुरू हो चुका है, आप लोगों को भी ये मिल चुका होगा। उसके बाद जो अपडेट है, यदि आप लोग विंडो 11 प्रो यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी विंडो 11 प्रो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इंटरनेट का जरूरी हो जाएगा, खास के OEB सेटअप करने के टाइम पे आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए होगा, ये कंपलसरी कर दिया है। खास के जब आप पर्सनल सेटिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको चाहिए होगा। वर्क और स्कूल वालों के लिए जैसे पहले था वैसे ही आपको मिलेगा। इसके बाद जो अपडेट है वो टास्क मैनेजर के अंदर अपडेट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडो एक्सप्लोरर EXE के अंदर कुछ बग था, यहाँ पे परफॉर्मेंस में इश्यू आ रहा था तो इस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो अपडेट है जैपनीज IMA में है, वहाँ पे क्रैश हो रहा था, क्रैशिंग का इशू था तो उस प्रॉब्लम को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो इस अपडेट के अंदर बग फिक्स हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस विजेट के अंदर बग था, यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो फटाक से ये विंडो ओपन हो रहा था और फटाक से ये विंडो क्लोज हो रहा था, तो इस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है, अब आपको ऐसा इशू इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, यहाँ पे आप नया वायरलेस डिवाइस ऐड करते थे तो उस टाइम पे ये क्रैश हो जाता था, यहाँ पे क्रैशिंग का इशू था, तो इस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया है। अब आप जब कभी भी वायरलेस डिवाइस आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रैश नहीं होगा। इसके बाद जो अपडेट है वो टच स्क्रीन से रिलेटेड है, अब आप 3 फिंगर के साथ इसको टच करके मिनिमाइज
रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट यह है कि आप देखते होंगे कि जब कभी भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते थे या नहीं तो रिबूट करते थे या नहीं तो रीओपन करते होंगे कोई भी ऐप, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए फर्स्ट टाइम ब्लैक स्क्रीन आता था। आप ब्लैक स्क्रीन आप बार बार देखते होंगे, यदि फर्स्ट टाइम कोई भी ऐप ओपन कर रहे तो ब्लैक स्क्रीन आता था, यानी तो सिस्टम को आप रीस्टार्ट करते थे, रीस्टार्ट करने के बाद जब भी आप कोई नया ऐप ओपन करते थे तो ब्लैक स्क्रीन आता था। तो इस टाइप का जो ब्लैक स्क्रीन का इशू था उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट बग फिक्स किया है वो टास्क मैनेजर के अंदर बग फिक्स किया है। आप जब आप यहाँ पे स्टार्टअप से परफॉर्मेंस यानी तो प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे आप स्विच करते थे तो यहाँ पे हैंग हो जाता था, क्रैश हो जाता था, क्रैशिंग का इशू था, तो इस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया है वो नोटिफिकेशन के अंदर बग था, यहाँ पे जब आप विंडो अपडेट करते थे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का इशू था, तो उस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो अपडेट है वो लाइव कैप्शन में अपडेट है। आप जब फुल स्क्रीन करके वीडियो प्लेयर को जब आप फुल स्क्रीन कर देते थे उसके बाद आप कैप्चर करने की कोशिश करते थे तो ये कैप्चर नहीं हो पाता था, तो ये बग्स था, ये बग इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद और भी ज्यादा आपको यहाँ पे डिटेल देखना है तो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा इसके अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या चेंजेज हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं क्या क्या अपडेट आया है, यानी तो यदि आप एक्सबॉक्स के बारे में ज्यादा डिटेल देखना चाहते तो यहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे अपडेट करना है। यदि आपके केस में एक्सबॉक्स का आइकन नहीं आया है यानी एक्स गेम वार कंट्रोलर नहीं आया तो इसको कैसे आप लेके आ सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।